ये मेरी और मेरे पूर्वजों की पार्टी है। बाबा साहिब हमारे पूर्वज थे और उनके विचारधारा लेके चले मान्यवर साहब कांशीराम जी। अब मान्यवर साहब कांशीराम जी की विचारधारा लेके और बाबा साहिब की विचारधारा लेके चल रही हमारी बहन जी, ये उनकी पार्टी है, इसलिए मैं इसको सहयोग करता हूँ। अन्यथा पार्टी तो बहुत भी हैं और भी हैं अन्य अन्य नाम से, मैं उनको भी सहयोग कर सकता हूँ, उनमें पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर लेकिन मुझे अपने बाप का नाम बदलने का ना शौक नहीं है। मेरा बाप एक ही है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरे बाप हैं, जिसको अपने बाप अपने सरनेम चेंज करना होएगा ना, जिसको भी वो बहुत जल्दी पार्टी चेंज करेगा, बहुत जल्दी पार्टी चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दूसरे को बाप कहने में बहुत इज्जत मिलती है, गर्व महसूस होता है, और अपने बाप को बाप कहने में बहुत शर्म महसूस होती है। मैं अभी यहीं के हालात बता दूंगा, अपने ही समाज के ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो नाम बदल के रह रहे हैं, उनको शर्म आती है कि हम नाम बता दे अपना। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक चीज और कहूंगा कि सबसे पहले तो अपने बाप का नाम लगाना सीख जाओ, दूसरे को अपना बाप कहना छोड़ दो, तभी सफल बन पाओगे। मैं अपने सभी बीएसपी पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद कहूंगा और अपने जितने भी साथी हमारे भाई बैठे हैं सामने उन सबको भी मैं धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अधिकार दिया, सम्मान दिया। अब मैं अपनी बात रखता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। आप सबको पता होगा कल जम्मू कश्मीर के अंदर, आप सबको पता होगा एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है कि जिसपे अभी प्रेजेंट सरकार के हमारे माननीय मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का सीना है। भाई वो सीना कहाँ गया? कहते थे कि एक सर कटेगा तो 10 सर लाऊंगा। भाई वो कहाँ गया वादा? कहाँ है वो वादा? क्यों चुपचाप बैठे हो? क्यों जुमलेबाजी खेल रहे हो न्यूज चैनलों पे? क्यों? ये उनके घर से कोई नहीं गया, ये उनके घर से कोई नहीं गया। जिनके माँ के लाल गए हैं, जिनके पति गए हैं, जिनके भाई गए हैं, जिनके बाप गए हैं, उनसे पूछो ये दर्द क्या है। जो भाई हमारे शहीद हुए हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने सुख दुख सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार का वो सीमा पे हम लोगों की जिंदगी की सलामती के लिए खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो या कुछ भी हो, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। कहते थे कि बीजेपी सरकार ने देश को मजबूत किया है, सेना को मजबूत किया है, वो रफेल फफेल पता नहीं क्या क्या लिया है। कहाँ गए वो सारे? ये जुमलेबाजी में खो गए? कोई नहीं पूछता। हमारे समाज के या किसी भी समाज के लोग पार्टियों में घुस जाते हैं, पद ले लेते हैं, माइक पढ़ते हैं, भाषण गर्दी करते हैं, इधर से 2000 फालतू मिले तो इधर जाके माइक पकड़ लेंगे, उधर से 2000 फालतू मिले तो उधर जाके माइक पकड़ लेंगे, पर किस कोई भी पीड़ितों के लिए आवाज नहीं उठाता, गरीबों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। 3000 करोड़ की मूर्ति लगा दी, 125 करोड़ का देश है हमारा आबादी का, अगर 2-2 करोड़ रुपए भी जाता ना तो मैं पक्का कहता हूं जो फ्लाइवर के नीचे रहते हैं वो भी करोड़पति होते। देश को सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया दोबारा बन जाता, ये गरीब ना रहता, ऊंच नीच ना रहता, भुखमरी से बच्चे ना मर रहे होते, भुखमरी से मर नहीं रहा तो कोई गरीब, सब में समानता आ जाती, सब करोड़पति होते, सबके घर बाहर होते, पर नहीं, राजनीति चमकानी थी, मूर्ति लगवा दी 3000 करोड़ की, किसी ने सवाल किया? कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्हीं के घर से लेके ये राजनीति चमकाई जा रही है। मैं एक चीज और पूछूंगा, जितने भी हमारे सरकारी हैं कर्मचारी, किसकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी हुई इन 4 सालों के अंदर? कोई बढ़ोतरी हुई? पेट्रोल के दाम कितने हो गए? किसकी जेब से जा रहा है?
पब्लिक की जेब से, आप लोगों की जेब से। टैक्स डबल हो गया, किसकी जेब से जा रहा है? पब्लिक की जेब से, आपकी जेब से। कभी कोई फलाना मोदी भाग रहा है, कभी कोई भाग रहा है, किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से। मोदी तो चाय बेचने वाला कही आया, वाके दौरा कहां से आया? उसका थोड़ी ना पूर्वज कोई जमींदार खेती वाले बैठे या मौज वाले बैठे। उसे तो ये कहा जाता है कि झोला उठाऊंगा, खाली झोला आया था लेके चलता बनूंगा। पर ये नहीं पता आज के टाइम में वो खाली ना रहा। ये जो भागे हैं ना इंगे तिंगे, ये सारा यही का पैसा लेके भागे हैं। जब झोला उठा के लेके जाएगा, झोला खाली ना होएगा। ये सब दिखावटी की बातें हैं। अब कहते हैं बहन जी, बात आती है बहन जी पे कि बहन जी के पास पैसे की कमी है। मैं एक बात पूछता हूं, जब बहन जी की सरकार थी, बहन जी ने अपने लिए घर बनवाया था, ठीक है, घर बनवाया। जिस टाइम सरकार से गई, सरकार छोड़ी, उनकी सरकार गई, उन्होंने वो चाबी ना उस घर की अपने लिए जो बनवाया था, वो भी उसी सरकार मनुवादियों के हाथ में दे दी थी कि जिस दिन मेरी सत्ता आएगी उस दिन इस घर में आके रहूंगी, इस घर की चाबी उस दिन लूंगी। बताओ कौन सा घर अपना है? कौन से बच्चे हैं अपने? कौन सा परिवार है अपना जिसके लिए वो करेंगी? उनका ये परिवार है जो आप लोग बैठे हो ना, ये परिवार है, ये आप लोगों के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर रही। अगर अपने लिए कर रही होती ना तो आज जैसे लोग कहते हैं ना बहुत पैसा है, वो भी आराम से रह रही होती, बहुत मजे से रह रही होती। भाई पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर आप लोगों के लिए आवाज क्यों उठा रही है? आप लोगों के लिए ताने क्यों खा रही है? आप लोगों के लिए गाली क्यों खा रही है? क्योंकि तो आप परिवार हो उनका और हम जैसे बच्चे हैं उनके। ये जय कॉलोनी, ये हमारे मदनपुर खादर की जय कॉलोनी, ओखला विधानसभा की, इसमें 95% कम से कम दलित वोट है, 95%। पर सरकार किसकी आती है? मनुवादियों की। अब वो क्यों आती है मैं बताता हूँ। हमारे लोग ईमानदार बहुत हैं, आगे बता रहा हूँ, ईमानदार बहुत हैं। जिसका खाते हैं ना उसको वोट देते हैं, जिसका खाते पीते हैं। और मनुवादियों को पता है कि इनकी औकात क्या है। औकात कैसे दिखाते हैं? 50 रुपये क्वार्टर लाते हैं, उस क्वार्टर को 5 साल में एक बार पियाते हैं और कहते हैं कि इनकी 10 रुपये साल की औकात है। और हमारे लोग खुशी खुशी पीते हैं और कहते हैं भाई उसकी तो 10 रुपये थी, क्वार्टर पिलाया भाई उसने, उसको वोट देंगे, ईमानदार है। अब ये ईमानदारी छोड़ दो, कहीं भी खाओ कहीं भी पियो, पर आने वाले 2019 के इलेक्शन में भारी से भारी मत से वोट देके बहन जी को पीएम बना दो। ये जो तुम लोग, मैं साफ साफ कहता हूं, बुरा लगो भला लगो भाइयों, हमारे लोगों को अपने आप को राजा कहलवाने में पसंद नहीं है, अपने दूसरों के कट्टे दबाने पसंद है। ये कहावत बिल्कुल सही है, और कट्टे ही दबाएंगे जब तक एक नहीं होंगे और अपनी सोच नहीं बदलेंगे। कहावत है बहुत पुरानी, अपना मारा छाया में गिरा, दूसरा मारा पता ना कहां गया। अपनों में रहो और 2019 में एकजुट होकर दिखा दो बहुजन समाज, ताकत दिखा दो बहुजन समाज क्या है। और संकल्प लो आज के जितने भी भाई बैठे हैं, इनके जितने भी रिश्तेदार होंगे या इनके पड़ोसी होंगे, सब अपने अपने घर जाके यहां से आज से ही समझाने का कार्य करेंगे कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में बहन जी के लिए हाथी का बटन दबाएं और अपने आप को देश का राजा कहलाएं, जैसे अभी कहते हैं ना हम अपने घर के राजा हैं, अपने देश का राजा कहलाएं। अगर आप लोग आपस में मुठभेड़ रखोगे, आपस में ऐसी उलझते रहोगे तो हमेशा गुलाम रहोगे, जो आज तक गुलाम हैं बहुजन समाज। मुझे एक बता दो, कौन कौन अच्छे पद पर बैठा हो, क्यों नहीं बैठा कि आपस में सबसे पहले कटते हैं हमारे लोग। ये आपस में कटना छोड़ दो, ये कह देते हैं भैया हमने काम करा हमें टिकट ना मिला, टिकट मिल गया उसे। अरे भाई ये मत सोचो टिकट किसे मिला, किस बिरादरी के को मिला, ये सर समाज की पार्टी है, सर धर्म की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। इसमें कोई भी खड़ा हो जाओ टिकट लेके, पर राजा कौन बनेगा? तुम्हारी बहन जी बनेगी, तुम्हारा वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। उम्मीदवार को नहीं चुन रहे तुम पार्टी को वोट दे रहे हो,
उम्मीदवार तो आते जाते रहते हैं, हर 5 साल बाद चेंज होते हैं, पर पार्टी वही रहती है। उम्मीदवार तो ऐसे होते हैं, जहां पैसा दिखा वहां पहुंच गए। अब मैं अपनी बात थोड़ा सा शॉर्ट में कहूंगा, कुछ पॉइंट है मेरे जिन पर आज मैं बोलना आया हूं। भाई हमारे मोदी जी का कहना था, हमारे मोदी जी का कहना था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। किसी का अकाउंट में 15-15 लाख आया? 1-15 पैसा आया किसी का अकाउंट में? नहीं है? एक हाथ उठा दोगे 15 लाख रुपया आया तो क्या तुम लोग अभी भी वोट दोगे उसको? नहीं देंगे। ये यही कह रहे हो या फिर बाद में ऐसे चेंज हो जाएगा नशे में? नहीं देंगे। क्वार्टर देखते चेंज तो नहीं होएगा? क्वार्टर देखते चेंज मत हो जाना। वो रंग भी ऐसा पिलाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, संतरी रंग और कभी कोई सा रंग, कैसा रंग, ऐसे रंग कब जाते हैं उनको पता, नशे में इनका बटन दबना कहाँ है, वो संतरी रंग वाला ही दबना है फिर कमल वाला ही। अब की बार पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत देश हमारा नीला होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी आनी चाहिए, ताकि जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हमारे जितने भी बैठे हैं बुजुर्ग, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी नौकरियां मिले, उनको अच्छे अच्छे पद पे जाएं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ें। हमारे दलितों के बच्चे कभी कोई अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, उनको कोटे का नाम होता है, कोटे से कुछ मिलता नहीं है। मुझे बता दो कौन सा कॉलोनी में किसका बच्चा अच्छा पढ़ रहा हो, पूरी कॉलोनी उठा लो। और नेताएं, जो नेता है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं खुद, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो भी गरीबी रेखा से। वो गरीब है, आप गरीब नहीं हो, आप रईस हो, और हकीकत में रईस हो। आप लोग अपने दिल से उनको चुनते हो ना वोट देके। वो 15 दिन आएंगे, आपके पांव दबाएंगे और 5 साल तुमसे पांव दबवाएंगे, 5 साल पक्का तुमसे पांव दबवाएंगे। ये कहेंगे जब मिलने जाओगे ना 15 दिन बाद जीतने के बाद, तो सीधा यही कहेंगे, अबे कौन है इसको बाहर रख, बाद में मिलेंगे, अभी लंच पे, अभी मीटिंग में, अभी ये है। कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता। ये पार्टी आप लोगों से है, ये पार्टी आप लोगों से चलेगी, ये पार्टी आप लोगों को एकजुट करके आप लोगों की वोट से जीतेगी, और आप लोग इस देश के राजा होंगे, इस देश के नेता होंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि और भी हमारे आमंत्रित मुख्य अतिथि आए हुए हैं जो अपनी बात को रखेंगे। बात खत्म होने से पहले एक लास्ट बात और कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि अपने अपने घर जाके अपने अपने पड़ोसी, अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उन सबको समझाने का काम करेंगे, और पार्टी के नेतृत्व में हर कोई बंदा 10 आदमी को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ेगा। हर बंदा ये काम कर ले, पार्टी अपना आप जीत जाएगी, बहन जी अपना आप पीएम बन जाएंगी। जो सपना हमने देखा है ना वो साकार हो जाएगा 2019।